नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो क्या आपको भी डांस करना बहुत पसंद है? और जब भी आप डांस करने जाते हैं तो आप हाथों के स्टेप तो अच्छे से कर लेते हैं, पर जब भी हाथों के साथ पैरों को चलाने की बात आती है तो आपके हाथों के स्टेप भी वहीं रुक जाते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी आप आगे डांस नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बेसिक डांस स्टेप्स, जिसकी मदद से आप डांस में अपने हाथों और पैरों को एक साथ आसानी से चला पाएंगे और किसी भी गाने पर अच्छे से डांस कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत काम की है आपके लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल ट्यूटोरियल लाती रहती हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहली स्टेप देखते हैं। पहले मैं आपको पैर चलाना बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से चलाने हैं। आपको अपना एक पैर आगे रखना है 1, पीछे रखना है 2, ठीक है। जब आप आगे रखेंगे पैर को तो पूरा पंजा इस तरीके से रहेगा आपका, और जब पैर को पीछे रखेंगे तो पैर इस तरीके से टो पर आ जाएगा, हील उठी हुई रहेगी आपकी। ओके, तो पूरा स्टेप क्या रहेगा 1, 2, और ये स्टेप आप किसी भी पैर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक बार काउंटिंग के साथ पैरों को चलाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर हुआ। और अब हम हाथों के स्टेप देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा इन बेसिक फुटवर्क के साथ, आपको अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं। जब आपका पैर आगे आएगा तो आपको अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं और इस तरीके से क्रॉस करने हैं 1, और जब पैर पीछे जाएगा तो हाथ भी पैर के साथ पीछे जाएगा और आपके शोल्डर हल्के से झुक जाएंगे 2, ठीक है। 1, 2, 3, 4, क्लियर हुआ आपको? बहुत सिंपल है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोबारा से मेरे साथ काउंटिंग के साथ कीजिए आप भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप, तो आपको पैरों को सेम वही चलाना है जो हमने पहले चलाया था। और हाथों का स्टेप क्या रहेगा, आपको अपने दोनों हाथ इस तरीके से ज्वाइंट करने हैं, उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसाना है। अब पैर के साथ हाथों को किस तरीके से मूव करेंगे, पैर बाहर की तरफ जाएगा तो हाथ भी बाहर की तरफ जाएगा और हथेली बाहर की तरफ होगी, और जब पैर वापस आएगा तो आपके हाथ भी मुड़ जाएंगे और हथेली आपकी तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा स्टेप किस तरीके से रहेगा, तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोबारा से एक बार काउंटिंग के साथ देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं, और पैरों के स्टेप सेम ही रहेंगे इसमें भी। और आपको हाथों को किस तरीके से चलाना है, यानी अगर आपने लहंगा पहना है, साड़ी पहनी है तो आप साड़ी का पल्लू पकड़ सकती हैं, अगर लहंगा पहना है तो लहंगे को इस तरीके से होल्ड कर सकती हैं, अगर आप सिंपल अपने हाथों को ही लहराना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपकी चॉइस है कि ये स्टेप आप किस तरीके से करना चाहती हैं। आपको क्या करना है, पैरों के साथ अपने हाथों को बस मूव करना है आगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो चलिए फोर्थ स्टेप देखते हैं, इसमें पैरों का स्टेप सेम ही रहेगा। और अगर आप चाहें तो अपनी जगह पर खड़े होकर ये स्टेप कर सकते हैं, इन्हीं फुटवर्क की मदद से आप राउंड ले सकते हैं और ये स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको करना है, पहले मैं राउंड लेके आपको दिखा देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और हाथों का स्टेप क्या रहेगा, आपको अपना एक हाथ कमर पे रखना है और दूसरा हाथ नीचे से पैरों के साथ आगे जाएगा और पैरों के साथ पीछे आएगा, तो आपका हाथ शोल्डर को टच करेगा 1। सेम रिपीट होगी स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो एक बार काउंटिंग के साथ दोबारा करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। तो चलिए एक बार सारी स्टेप्स को म्यूजिक के साथ भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोबारा से आपको याद दिला रही हूँ, इसी संडे एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बोले चूड़िया पे डांस ट्यूटोरियल सिखाऊंगी, क्योंकि लेडी संगीत में बहुत ज्यादा बजाया जाता है ये गाना। मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि बोले चूड़ियों पे डांस ट्यूटोरियल बनाइए, तो इस संडे को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा डांस ट्यूटोरियल बोले चूड़िया पे। और मैं ये सारी स्टेप आपको उस ट्यूटोरियल में यूज करके दिखाऊंगी कि आप गानों के साथ ये स्टेप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा इस संडे बोले चूड़ियों का डांस ट्यूटोरियल। तो प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में